हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफ स्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं खस्ता रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए 700 ग्राम चीनी लिया है और 4 अंडे को इसमें तोड़ लेंगे। इसको इतना ही मिक्स करना है कि एक झाग सा बनने लगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें अंडे को तोड़ लिया है और इसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाथ से इसे मिक्स किया है ताकि झटपट से हो जाए। इसे इतना मिक्स करना है कि झाग बन जाए और ये वाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे मिक्स करते हुए 5 मिनट हो चुका है, बिल्कुल झाग की तरह ये बन गया है। इसमें ऐड करिए 1 केजी मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। 1 कप इसमें रिफाइन ऑयल को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे घी का भी यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका मैदा खुश्क पड़ने लगे, आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है, तो पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। गुनगुना मिल्क इसमें ऐड कर दें। अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो इसे अच्छे से मिक्स करें। ऐसे ही ये हो जाता है। एक डो बना लेंगे। डो को अपने पतले स्लाइस में बना के इसे कट कर लेंगे। आप अपने चॉइस के मुताबिक इसे कट कर सकते हैं या राउंड में भी बना सकते हैं। सारे खस्ते को मैंने कट कर लिया है। एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल को ज़्यादा हीट कर लेना है। इसमें थोड़े थोड़े से खस्ते को हम ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत क्रिस्पी सा फ्राई करना है ताकि खस्ता हमारा बहुत क्रिस्पी सा बने। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। खस्ता ऐड करने के बाद से मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और इसे 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं चलाना है। 2 मिनट बाद इसे उलटते पलटते क्रिस्पी सा हम फ्राई करेंगे। आज की मेरी न्यू ट्रिक से बनी खस्ता रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को पुश कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप भी बहुत ही ज़बरदस्त सा खस्ता बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। न्यू ट्रिक के साथ मैंने इसे बनाया हुआ है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। और आपका खस्ता कैसा बनता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी खस्ता बनके रेडी हो चुका है। फिर देर किस बात की, किचन में जाइए और इस खस्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता बनके रेडी हो चुका है। तो आज की मेरी खस्ता रेसिपी आपको कैसी लगी, कितना यूज़फुल लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। अक्सर हम खस्ता बनाने चलते हैं तो बहुत उलझन लगती है और लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे तरीके से आप खस्ता बनाएंगे तो इजीली आप 5 मिनट में बहुत सारे खस्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।